अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 27 सितंबर संडे यानी इतवार का दिन है और इस वक्त मैं हैदराबाद शहर में जो स्लम एरिया है वहाँ पर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज खिदमत खलगशी की तरफ से 70 घर के मुस्तहिक मजबूर औरतों को राशन दिया जा रहा है। और यकीन मानिए हमारे हैदराबाद शहर में कई ऐसे स्लम एरिया से कई ऐसे मुस्तहिक एरिया है जहाँ पर कई सारे मुस्तहिक लोग मजबूर लोग रहते हैं जिनके पास खाने के लिए राशन तक नहीं है। वैसे भी आप लोग भी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद से कई सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं। जो ऑटो चलाते हैं उनके ऑटो के कारोबार नहीं है, जो अपना खुद का छोटा मोटा जो कारोबार करते थे बंडियों पर वैसे लोगों का भी कारोबार बिल्कुल ठप है। जैसे कि कारोबार है ही नहीं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। खाने के लिए उनके घर में राशन की तक बहुत ज़्यादा तंगी है। तो बस इसी मकसद से हम यही चाहते हैं कि हैदराबाद शहर में जितने भी स्लम एरियाज हैं जितने भी मुस्तहिक एरिया हैं वहाँ पर के जो मुस्तहिक लोग हैं उनको हम राशन तकसीम करने की कोशिश करें। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैं सबके आधार कार्ड्स ले चुकी हूँ और पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम लोगों को राशन तकसीम करते हैं। तो बस हमारा मकसद ये है कि अब ऐसे हाल सूरत हाल में कई सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है जिनके पास राशन नहीं है। तो बस हम लोगों तक राशन पहुँचाने की कोशिश करें। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जैसे चाहे उन लोगों के लिए मदद दे सकते हैं। आप एक एक देखिए, मैं ये नहीं करूँ कि आप कुछ पैसे दीजिए किसी के लिए, कुछ अमाउंट वो करिए। आप लोग चाहे तो 10-10 किलो के चावल के पैकेट्स भी अगर आप लोग बनाकर रखेंगे तो हम बराबर वो पैकेट्स ऐसे लोगों में तकसीम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ देना, बल्कि बस आप 10 किलो के चावल के पैकेट्स बना दीजिए। इंशाल्लाह हमारे पास से कहीं बच्चा आके आपके पास से ले लेगा या फिर आप लोग भी डायरेक्ट आकर देना चाहते हैं तो मेरी ऑफिस पर भी आके दे सकते हैं। तो ऐसे 10-10 किलो के चावल के पैकेट्स रहेंगे तो हम बराबर ऐसे लोगों में मुस्तहिक लोगों में हम तकसीम कर सकते हैं। छोटे मासूम बच्चे हैं, लोग कई सारे इसमें ज़यीफ़ औरतें हैं, बेवा हैं, मुस्तहिक लोग हैं, सभी लोग इसे मौजूद हैं। तो बस सबको हमारा फर्ज बनता है कि सबका ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम आगे की हमारी यही कोशिश है कि हम ऐसे लोगों की हमेशा मदद करने की कोशिश करें, लेकिन इसके लिए आप तमाम लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की दुआएँ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अगर राशन का इंतजाम करिए। देखिए एक एक वक्त के खाने के लिए लोग परेशान हैं, एक एक दाने के लिए लोग परेशान हैं। जाहिर सी बात है अगर उनको हम इस तरीके से राशन अगर देंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग बराबर अपने पेट को खाएंगे, उनके छोटे मासूम बच्चों की भी आप लोगों को दुआ लगेगी। तो बस मेरा काम इंशाल्लाह मैं आगे भी करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की दुआएं होना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज़, जय हिंद। बस जो आप लोगों के लिए इंतजाम करते हैं उनको दुआ दियो, अल्लाह सहायता दियो। करीम हाँ लियो Yeah.